नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर कौन है ये संदीप सिंह? सुशांत सिंह हत्याकांड का मुख्य राजदार सुशांत आखिर कहां का है? इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कौन है इसकी माँ, कौन है इसके पिता? जहां तक मेरी जानकारी में है और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बिहार के हैं, जब उनसे हमने इस बारे में चर्चा किया तो जो सामने चीजें आईं वो एक बात तो साफ कर देती हैं कि सुशांत हत्याकांड में ये संदीप सिंह जो राज्यदार है या मुख्य कल्पित है, इसका बिहार से संबंध है। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंध है इस संदीप सिंह का। बिहार में मुजफ्फरपुर एक जाना माना जिला, जहां आप सबको पता होगा कि चतुर्भुज स्थान बोल के एक जगह है। यदि सूत्रों की माने तो संदीप सिंह उसी तवायफ का बेटा है जो 1990 के दशक में मुजफ्फरपुर छोड़कर मुंबई का रुख कर लिया था उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर मुजफ्फरपुर का ये छोरा संदीप सिंह मुंबई पहुंचा तो कैसे पहुंचा? एक बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे, लेकिन यदि संक्षेप में मैं आपको बता दूं तो कहानी कुछ यूं है। मुजफ्फरपुर के तवायफ मंडी चतुर्भुज स्थान में पैदा हुआ संदीप सिंह ममता नामक एक तवायफ का बेटा है, जो ममता 90 के दशक में चतुर्भुज स्थान की जानी मानी तवायफ थी और उसके पास बिहार के मंत्री से लेकर बड़े रसूखदार लोग जाया करते थे। 1990 में और 1990 के दशक में उसने ममता ने मुंबई का रुख कर लिया। मुंबई रुख करने के बाद ये संदीप सिंह, जो उस समय पटना के कंकड़बाग के सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, वो भी अपने मां के पीछे पीछे चला गया। वहां जाकर किसी तरीके से इसने जुगाड़ किया, बॉलीवुड की गलियों में इसने एंट्री लिया और आज जो है आप सबके सामने एक बहुत बड़ा राजदार बन के उभरा है। जी हां, मशहूर डायरेक्टर के साथ असिस्टेंस डायरेक्टर के काम में लगा, उसके बाद फिल्म का फाइनेंसर बन गया। अब आप ये सोच सकते हैं कि इतनी जल्दी कोई फिल्म का फाइनेंसर कैसे बन सकता है, यानी कि जो ड्रग्स माफिया और जैसे तमाम करतूतें आ रही हैं इसकी सामने, कहीं ना कहीं इसका काला चिट्ठा वहां दबा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, जो हमारे सूत्र और हमारे बिहार के जो वरिष्ठ पत्रकार 1990 के दशक में थे उनसे जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये उसी ममता का बेटा है जो 1990 के दशक में मुजफ्फरपुर से मुंबई का रुख की थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि आज ममता कहां है और आज ममता किसके साथ है। तो सूत्र इसमें यह भी बता रहे हैं कि मुंबई के किसी बड़े रईस जादे के साथ ममता ने शादी की और आज उसके साथ जिंदगी व्यतीत कर रही है। शायद संदीप सिंह की जिंदगी में ममता का कोई स्थान न हो, लेकिन मीडिया आज न कल उस ममता को भी खोज के निकालेगी। यहां लेकिन मेन मुख्य बिंदु यह है कि संदीप सिंह को आखिर सिंह की टाइटल, पिता का नाम कहां से मिला? यह सबसे बड़ी राज की बात है कि कहां से इसको पिता का नाम मिला। इसके सारे कागजात जो हैं, इसमें इसके पिता का नाम क्या है जो अभी तक किसी को पता नहीं चला है? कहीं
सुशांत सिंह के साथ रहते रहते संदीप सिंह ने उन्हीं के किसी लोगों का नाम अपने गार्जियन के रूप में तो नहीं यूज किया है, लेकिन हमारी नजर इस पर भी बनी हुई है। यह तो साफ हो गया कि यह वही संदीप सिंह है जो 1990 के दशक में मशहूर तवायफ ममता का बेटा है, लेकिन इसे सरनेम कहां से मिला, इसके कागजातों पे इसके पिता का नाम का क्या है, यह अभी सब वक्त आने पर राज जो है वो खुलेगा। सबकी नजरें संदीप सिंह पर घड़ी हुई हैं और जैसे जैसे हमारे पास खबरें आएंगी हम नेशन भारत के दर्शकों को दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।